Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and staying at home. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना आपको मेरा ये DIY और ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप पुराने लैम्प शेड को एक नया लुक दे सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड फैब्रिक। यहाँ पर हम डीकुपाज का काम करेंगे। डीकुपाज में क्या होता है, हमें डीकुपाज में मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में कैसे करते हैं। तो आपको लेना है कुछ पुराने कपड़ों के कटिंग्स जैसे पिल्लो कवर, कुशन कवर एंड डेको मैजिक ग्लू लेना है, वार्निश लेना है एंड एक फ्लैट ब्रश लेना है जिसके हेल्प से हम ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कटिंग्स है उनके ऊपर ग्लू अप्लाई करना है सेम वे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से आपको बस करना है और सारे कटिंग्स को आपको इसी तरह से ग्लू लगाना है एक एक करके। तो जो भी आपके पास पिल्लो कवर हैं, कुशन कवर हैं या पुराना बेडशीट है जिसमें बहुत ही अच्छे पैटर्न्स एंड कलरफुल पैटर्न्स हो, आप वो सारे अच्छे कटिंग्स लेके आप अपने माइंड में आइडिया लेके आइए कि किस तरह से आपको स्टिक करना है लैम्प शेड में। नॉट जस्ट लैम्प शेड, आप कोई भी पुराना मेटल बॉक्स ले सकते हैं जिसको अपने एक नया लुक दे सकते हैं जस्ट जैसे मैंने यहाँ पर लैम्प शेड को दिया है। तो बस इसी तरह से आपको कटिंग्स को प्रेस करना है, एकदम जेंटली प्रेस करना है एंड अगेन उसके ऊपर हमें डेको मैजिक ग्लू अब फिर से अप्लाई करना है ताकि वो प्रॉपरली सील हो जाए और वो निकले ना। तो और ऊपर से एक मैट फिनिश देता है ये वाला ग्लू, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं बट आई वुड प्रिफर डेको मैजिक ग्लू। तो आप अगर हो सके तो ये ग्लू ज़रूर अप्लाई करिए, इससे बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आता है और नया दिखता है कोई भी चीज़ पर अभी ग्लू यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे कटिंग्स को ग्लू लगा के स्टिक करना है एंड अगेन ऊपर से एक और ग्लू का लेयर लगाना है और आप कुछ एक या दो घंटे के लिए ड्राई होने रख देना है, इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे कटिंग्स यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक्रेलिक का पर्ल वाइट कलर, जो खाली जो वाइट आप देख सकते हैं लैम्प पे, मैं वहाँ पर ये कलर अप्लाई करूँगी ताकि वो एक शाइनी सा सिल्वर कलर इफेक्ट देगा। आप ये स्टेप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, आप लैम्प शेड को इसी तरह से रख सकते हैं और या तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। आपके दिमाग में जो भी माइंड में आइडियाज़ आते हैं आप वो आइडियाज़ यूज़ करिए। तो उसके बाद हम वार्निश अप्लाई करेंगे लास्ट में। वार्निश पूरा ड्राई होने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। वार्निश जो है वो हमारे प्रोजेक्ट को, जो भी बॉक्स मेटल बॉक्स है या लैम्प शेड है, उसको अच्छे से सील कर देगा ताकि डर्ट से वो बचा रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 3D आउटलाइनर भी ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, मेरे पास था तो इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो एक 3D सा इफेक्ट देगा और एक और अच्छा लुक देगा लैम्प शेड को। तो मैं यहाँ पर हर जगह अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको फ्लावर्स में, मैं वहाँ पर सिल्वर कलर या गोल्डन कलर यूज़ करूँगी, जो फिर जो मैं अप्लाई करूँगी। तो आपको जहाँ आपको ठीक लगा है वहाँ पर अप्लाई करिए, जिस एरिया में आपको ठीक लग रहा है, और सब जगह पे अप्लाई मत करना वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये स्टेप होने के बाद हमें इसे एक दो घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है और 3D इफेक्ट देगा। 3D आउटलाइनर का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्टेप आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो भी वो बहुत ही अच्छा लुक आता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ डेको मैजिक ग्लू एंड वार्निश आप अप्लाई करिए, दैट्स इट, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो एंजॉय करिए फाइनल लुक लैम्प शेड का। इसी तरह आप किसी भी फर्नीचर या जो भी आपके पास पुराना चीज़ हो आप उसको नया लुक देख सकते हैं, नॉट जस्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड फैब्रिक। आप पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन पेपर्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। को डीकुपाज आप पेपर डीकुपाज पेपर्स भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी जरूर चेकआउट करना, मैंने इसी तरह का एक डीकुपाज वर्क एक मेटल बॉक्स में भी किया था, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर चेक करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा और एंजॉय करिए मेरा ये वीडियो और बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो।